मकर संक्रांति कब मनाई गई कि मैंने बताया, अब इसी बात को मैं आगे ले जाता हूं। इसी दिन एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, दान। क्या दान करें और किसे दान करें? तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पहले जो आपके वैद्य थे वो जंगल जा जाके जड़ी बूटियां खोजते थे कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आएगी। जो आपके पंडित पुरोहित थे, जो आपके ज्योतिषी थे, वो सारे दिन पंचांग, अब तो अच्छी समय में पैदा हुए हैं कि हमें पंचांग नहीं बनाना पड़ता, सब कुछ कंप्यूटर में हो जाता है, कि पहले वो गणनाएं करते थे, तारों की गणना, नक्षत्रों की गणना, राशियों की गणना, आपके ग्रहों की गणना, फिर उस गणनाओं के हिसाब से आपका जीवन कैसे चलेगा। तो इट इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क, इतना आसान नहीं होता। एक पत्री बनाने में अगर आप हाथ से पत्री बनाने बैठ जाओ तो एक दिन लग जाता है। तो जब वो वैद्य या वो ज्योतिष आपकी दवाई के लिए भाग रहा है, आपकी गणनाओं के लिए भाग रहा है, तो वो अपनी खेती कब करेगा? तो क्या विधान था कि एक गांव में जैसे 50-100 परिवार हैं, तो वो परिवार के लोग अपने वैद्य को, पंडित को, उस दिन कच्चा राशन मतलब पका हुआ नहीं, चावल, दाल, नमक, गुड़, घी, तिल, कपड़ा, इसका दान करते थे। तो जब 50 लोग एक परिवार को, एक पंडित को देंगे, तो उनका काम भी चल जाएगा। तो कितनी ऑटोनोमस ये एक व्यवस्था थी कि भाई ठीक है, आप खेती मत करो, लेकिन खाना तो सबको है, खाना तो उस पंडित जी को भी है, खाना तो आपके गुरु जी को भी है। तो इसलिए दान की पड़ा, इसलिए इसका आज का प्रतीक क्या हो गया कि आपने देखा होगा, आप लोग मंदिर में जाके पंडितैन को दान करके आ जाते हैं, जो अच्छी चीज है। तो दान किसको दें? मैंने आपसे कहा कि आप अपने पंडित को, अपने वैद्य को, अपने ज्योतिषी को दान दें। इसके अलावा अगर जिंदगी में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, और जो ज्योतिष के जानकार होंगे वो जानते हैं कि मकर राशि है और शनि की राशि है, तो सूर्य और शनि जो है पिता पुत्र है, तो सूर्य अपने पुत्र शनि के घर आते हैं, तो जिसकी कुंडली में अगर किसी कारण शनि की कोई प्रदेखी, अगर पिता साथ में है, तो फिर पुत्र सबसे ज्यादा पुत्र संक्षित कब होता है? जब पिता उसके साथ होता है। और सबसे ज्यादा पिता की कमी कब लगती है? जब पिता नहीं रहते। तो सूर्य जब शनि के घर आते हैं, मकर राशि में आते हैं, तो जिसकी कुंडली में भी शनि के कारण कोई भी परेशानी है, क्योंकि आपने देखा शनि की दशा, लोग घबराते हैं इससे, तो मैं कह रहा हूं आप घबराइए नहीं, आप केवल इस निमित्त किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी गरीब आदमी को नमक का दान जरूर करें। नमक के अलावा बाकी चीजें भी दे सकते हैं, पर नमक का दान, और विद पात्र, जिस पात्र में दें वो पात्र भी उसके दे दें। तो आपको कोई भी, अगर शनि का कष्ट किसी तरह, शनि का कष्ट कैसे होता है, शनि कष्ट में आपको घुटने से नीचे प्रॉब्लम होती है, आपके लोअर बैक में L5-L6 में प्रॉब्लम हो सकती है, शनि काम को स्लो कर देता है, जीवन को स्लो कर देता है, जीवन में उत्साह कम हो जाता है, तो अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स आपकी हैं, तो बड़ा अच्छा है आप नमक का दान कर दीजिए। और नमक का दान करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसी अगर किसी को कोई आर्थिक परेशानी हो रही है, तो वो कल के दिन घी का दान करें। वैसे मैंने कहा आपको दान सब करना है, पर इस दान को, यानी इसकी क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ा लें, तो आपको घी का दान करें। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कल का दिन यूज करना है, तो आप किसी भी मंदिर में, किसी आश्रम में, जहां भी आपको लगे, आप किसी मंदिर में आप पंडित जी बोल सकते हैं, पंडित घी देना चाहता हूं जिसकी आप जोत जलाएं, आप किसी आश्रम में पूछ लीजिए कि उनको कोई घी की रिक्वायरमेंट है, पर वो दान वहां जाना चाहिए, तो आप घी का दान करिए। अगर किसी कुंडली में सुना होगा, बुध ग्रह ने सुना होगा, इसकी भी एक कहानी है कि जब अमृत बट रहा था, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में इवाक्षु नाम का राक्षस बैठ गया, क्योंकि उससे समझ आ गया था कि जो विष्णु मोहनी रूप में है वो केवल रिझा रहे हैं राक्षसों को, लेकिन जो वो अमृत पिला रहे हैं वो देवताओं को पिला रहे हैं। तो वो भी एक देवता का रूप रख के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। तो सूर्य चंद्रमा ने इशारों में बोला विष्णु भगवान जी को कि ये जो है ये देवता नहीं है। तो विष्णु भगवान जी ने उनका, जब तक अमृत जा चुका था, इन्होंने उनका गला ऐसे काट दिया, तो ऊपर के भाग को राहु और नीचे के भाग को केतु कहते हैं। और इसलिए कहा गया कि राहु और केतु ने, क्योंकि बताया किसने था, चुगली किसने मारी थी, सूर्य चंद्रमा ने, इसलिए राहु केतु जो ग्रहण लगाता है वो हमेशा सूर्य और चंद्रमा को ही लगाते हैं, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को लगता है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरे श्रभाव पे होता है, तो उस दिन वो ग्रहण लगाता है। और अमावस्या के दिन सूर्य पूरा होता है, चंद्रमा होता ही नहीं है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को लगता है, और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णमासी को लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में आपको दिखता है कि सूर्य के साथ राहु केतु है, तो ये भी दिन फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तिल का दान करिए। जो राहु है वो तिल से शांत होता है। तो वैसे मैंने कहा सारे अनाज, दाल, चावल, गेहूं, गुड़, तिल, तेल और कपड़ा, आप कपड़े का दान आप राशि के हिसाब से करिए। अगर आपका सूर्य, और ये जहां मैं राशि की बात कर रहा हूं, तो मैं राशि कर रहा हूं आपका सूर्य किस राशि में। अगर आपका सूर्य मेष राशि में,
मेष राशि है जो मंगल की राशि है, तो जो कपड़ा होगा दान का वो लाल रंग का रखिए और इसमें आप लाल मसूर की दाल जरूर यूज करिए, क्योंकि जो मेष का दान है वो लाल मसूर की दाल होती है, गेहूं होता है और लाल कपड़ा होता है। अगर वृष राशि है तो जो व्हाइट रंग का कपड़ा, आप लोही दे दीजिए किसी को, व्हाइट रंग की शॉल दे दीजिए, चावल ज्यादा दीजिए। अगर मिथुन राशि में है आपका सूर्य तो आप हरी मूंग की दाल जरूर दीजिए और हरा कपड़ा जरूर दीजिए। ऐसे ही अगर सूर्य आपका कर्क राशि में है तो कर्क राशि में फिर सफेद रंग का कपड़ा हो, आप चावल दीजिए, मिश्री दीजिए, आप दूध भी दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं। अगर सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में है तो फिर आप गुड़ का दान करिए, आप गेहूं का दान करिए और आप लाल कपड़े का दान करिए। कन्या राशि में तो फिर जैसे मैंने कहा बुध का दान, कन्या राशि बुध की होती है, हरा कपड़ा, हरी मूंग। अगेन तुला राशि है, शुक्र की राशि है, तो फिर वही सफेद कपड़ा, चावल, घी। वृश्चिक राशि, लाल मूंग की मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़। धनु राशि, अगर गुरु की राशि में आपका सूर्य बैठा है, जिस गुरु की राशि होती है 9 और 12, यानी अगर आप देखें अपनी कुंडली में सूर्य जहां है वहां एक नंबर लिखा होगा, अगर वो नंबर 9 या 12 है, 9 नंबर है धनु, 12 है मीन, ये गुरु की राशि होती है, तो आप फिर पीले चने की दाल और पीला कपड़ा दान करिए। और अगर सूर्य आपका मकर राशि में जो होती है 10 और 11 नंबर, तो आप काली उड़द की दाल, सरसों का तेल और तिल का दान जरूर करिए। तो आप इस जब दान को इंजीनियर कस्टमाइज कर देते हैं तो आपको इसका जो फल है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसमें एक चीज और कि हमारी पौराणिक मान्यता क्या है मकर संक्रांति की, तो देखिए मकर संक्रांति के दिन एक आपको कथा सुनाता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह जी अर्जुन के तीरों से घायल हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उनको इच्छित मृत्यु का वरदान था। इच्छित मृत्यु का वरदान मतलब जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। तो वो वेट करते हैं कि सूर्य पहले उत्तरायण में आ जाए और जब सूरज उत्तरायण आता है तब जाके अपने प्राण त्यागते हैं। तो द सेंस ऑफ द स्टोरी इज कि उत्तरायण इतना अच्छा है कि मरने के लिए भी अच्छा है, मतलब जीने के लिए तो अच्छा है ही उत्तरायण में। अब जब सूरज भगवान आपके उत्तरायण आ गए तो आज के बाद देखिए अब हमारे शादी ब्याह मुंडन गृह प्रवेश सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अब तक उससे पहले खर मास था, जब गुरु जो है जब सूर्य गुरु की राशि में होता है धनु और मीन में, उसे खर मास कहते हैं। तो अभी जो हमारे सूर्य भगवान थे वो धनु राशि में थे, तो उससे आपने देखा आपने पिछले एक साल में आपने कोई शादी ब्याह नहीं देखा होगा। तो मकर राशि के आने पर हमारे जो शुभ कार्य हैं वो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, हमारे जितने भी मांगलिक कार्य से आप कहते हैं वो सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आप सूर्य भगवान का, मैंने जैसे कहा कि हम हैं प्रत्यक्ष देवता हैं, उन प्रत्यक्ष देवता का स्वागत कीजिए, उनके स्वागत पे उत्सव मनाइए और उस उत्सव में क्या क्या करना चाहिए वो आपको बता चुका हूँ। धन्यवाद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।